दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलैंड के स्पेशल एपिसोड 214 पर। तो इस वीडियो सोलैंड एपिसोड 213 के आगे की सीन है, सिर्फ नोल से रिलेटेड है। जैसा कि तैंगसन शेव को पनेर रुवा कर चुका था, हमारे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। शेव तैंगसन के पास आती उसे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अब हमें किसी ने भी अलग नहीं कर सकता। तैंगसन शेव को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और अपने माता पिता से कहता है, वो भी चाहता है कि अपने माता पिता भी तैंगसन शेव की तरह हमेशा खुश रहे। हम देखते हैं कि तैंगसन की मदर के ब्लू स्वर्ग ग्रास इन्हें चारों तरफ घेर लेते हैं और फिर से हमें तैंगसन की मदर की आवाज सुनाई देती है, जो कि तैंगसन से कहते हैं, तुम्हारी रिवाइज हमें काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर अब तुम फाइनली एक दूसरे के साथ रह सकते हो और हमारे लिए तुम दोनों की खुशी बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, और जब तक तुम दोनों खुश हो हम भी खुश है। तैंगसन अपने सर हिलाते हुए कहता है, आपको भी हमेशा खुश रहना हो, क्योंकि उसके माता पिता ने तैंगसन से उससे ज्यादा डर सहा है। हालांकि तैंगसन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं था जिसको अपने माता पिता को मदद कर सकता था, लेकिन अब तैंगसन के पास वो स्ट्रेंथ आ चुका है, अब उनको मदद कर सकता है, क्योंकि तैंगसन के पास सी गॉड के टैलेंट है और वो गॉड के भी सक्सेसर है। अब उनका बेटा एक यंगेस्ट ग्रैंड सोल मास्टर है, अब तैंगसन के पास बहुत ही ज्यादा पावर। अब तैंगसन अपने पिता से कहता है, वो माँ को रिवाइव करने में मदद करेगा और वो अपनी स्पिरिट राइट आर्म और लेफ्ट आर्म बोन को इसे देकर उसके बाद इसे शव की तरह ही एक बार जिंदा करने में मदद करेगा। अब तैंगसन इस प्रोसेस में फेल भी हो जाए और इस सक्सेस ना हुए तो इसमें आप और माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। जब तांग आओ तैंगसन की बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब तैंगसन से पूछता है, क्या तुम्हें करियर में सक्सेस हो पाओगे? अब तांग आओ को अपनी फिक्र नहीं था, वो अपनी पत्नी को इतनी दिनों से इंतजाम कर रहा था ताकि वो पत्नी को दोबारा से रियल बॉडी में देखना चाहता था। कोई अगर ये बात कहे तो उस पर यकीन नहीं करता था, पर जो कि अपनी बेटी के मुंह से ही बात सुनता है तो इसमें कोई शक नहीं। आयन भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई थी, अब वो तांग आओ को दोबारा से पा सकती है। तैंगसन ने दोनों से कहता है, मैं इस रिवा करने में ज्यादा होशियार तो नहीं था, जब मैंने शव को रिवा करना स्टार्ट किया था जब मैंने कल्टीवेशन के मिस्टर के बारे में पता लगा। अब तैंगसन अपने पिता से कहता है, अगर मैं गलत नहीं तो अब अपनी माँ के ग्रास के पास थे अपनी कई सारे मेडिसिन के बारे में कंज्यूम किया होगा। इस पर तांग आओ इसे हाँ कहता है और बताता है कि मैंने काफी सारे मेडिसिन के बारे में कंज्यूम किया है और आयन ने मुझे ये ग्रास दी थी, इसकी वजह से इनकी पावर काफी हद तक रिस्टोर हुई थी, इसकी वजह से अदालत काफी हद तक अपनी स्पिरिट पावर को रजिस्टर किया है और यहाँ तक मैंने अपनी 79 रैंक को अचीव कर लिया है। तैंगसन अपने पिता से कहता है, शक की जिम्मेदारी को उठाने के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, आपने अपने हाथ पैर को कुर्बानी कर दिया है और यहाँ तक भी आप अपनी दोनों स्पिरिट बोन को भी उसके दान में दे दिए हैं और उनकी वजह से आपकी स्पिरिट रैंक 79 रैंक की हो चुकी है। अभी भी आपके पास 9 स्पिरिट रिंग है लेकिन स्पिरिट पावर कमी होने की वजह से जिसे आप 2 स्पिरिट रिंग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इस पर तांग आओ काफी ज्यादा सैड हो जाता है और इसके साथ तैंगसन से कहता है, क्या तुम सच में मेरी पावर को रिस्टोर कर सकते हो? इस पर तैंगसन हाँ कहता है, माँ ने मुझे ब्लू सिल्वर राइट आर्म लेग बोन दी थी जिसकी वजह से मेरी अदालत को आसानी से कर सकता हूँ और मैं माँ के अंदर फिर से जान डाल सकता हूँ। मैं इस टेक्निक को यूज करके हाथ पैर को दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ। इस सब करने के लिए मुझे इन दोनों सोल बोन की जरूरत है जो कि तैंगसन के अंदर। ये सुनकर तांग आओ खुश होने के साथ कहता है, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं अपनी गलती के तौर पर अपनी स्पिरिट बोन को दान में कर देती और मैं उस सोल बोन को वापस लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। तैंगसन अपने पिता से कहता है, आपने वुहान एम्पायर को मारा था जब अपनी माँ को बचाने के लिए किया था, तो आखिर आप में गलती क्या है? ये सब वुहान हल्की गलती है, वो मेरी माँ की सोल रिंग को लेना चाहते थे और हमारे शक हमें कोई भी हेल्प नहीं की, आखिर इसमें गलती किसकी है? मैं छोटा हूँ, मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड फादर के फैसले पर उंगली उठाना नहीं चाहता था। क्या हमारा क्लियर्स का हैमर स्कूल बैठ कर मुश्किल सा जाता है क्या? मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि आपने कहीं गलती नहीं की, वो स्पिरिट बोन को नहीं दे तो मैं उन्हें मार कर उसे लेकर आऊंगा। अब तैंगसन के पास सी गॉड के ट्राइडेंट है और वो एक ग्रैंड सोल मास्टर और ये सब सह नहीं कर पाएगा। अब तैंगसन चाहता था अब अपने पिता जो खोया है उसे वापस मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे एपिसोड कम्प्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।